हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और आज मैं क्लास सेवन्थ का एक टॉपिक कवर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। ओके, इसके पहले मैंने क्लास सेवन्थ का दो टॉपिक कवर करवा दिया है, एक तो सेंटेंस और दूसरा नाउन। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले वो दो वीडियोज़ देखें, उसके बाद यहाँ पर आके इस लेक्चर को देखें। और आप याद रखना, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखने को पाएंगे। सो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो एडजेक्टिव, तो सबसे पहले तो आप यही टर्म समझ जाओ कि एडजेक्टिव एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है ना, इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, नाउन्स, ताकि आपको याद रहे, एंड प्रोनाउन्स। मीन्स एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन्स या प्रोनाउन्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताएगा, उसका नंबर बताएगा, उसका क्वांटिटी बताएगा, उसका साइज बताएगा, उसका शेप बताएगा, उसका कलर बताएगा। इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ, अब यहां देखो ध्यान से, स्टूडेंट इसमें क्या है, दिस इज नाउन, ये नाउन है, और इसी नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा हो कौन कर रहा है, इंटेलिजेंट। सो आप बोल सकते हो कि इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। वाई? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग नाउन। किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो आई होप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एटलीस्ट एडजेक्टिव के बारे में कुछ समझ गए होंगे। नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ जाओ, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अभी जोड़ेगा क्या, वही मैंने बताया है, क्वालिटी। किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन के लिए। क्वालिटी हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ पे। अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ एन एडजेक्टिव। मीन्स जब आपके सामने कोई एडजेक्टिव आता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। जैसे आप लोगों के अंदर कोई ना कोई फीचर्स होगा ही, कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई स्लीपिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई क्राइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई प्लेइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या है, क्वालिटी है। कोई रीडिंग में बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही एडजेक्टिव की अपनी कोई ना कोई क्या होती है, विशेषता होती है, मतलब उसका अपना कोई ना कोई क्या होता है, फीचर्स होता है। तो याद रखना, पहला फीचर्स है टू क्वालिफाई। अब वो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन एंड प्रोनाउन को करेगा। पहला क्वालिटी यही है इसका, तो वो आप हेडिंग से उठा सकते हो इसको। फिर इट हैज डिग्रीज। एडजेक्टिव में क्या होता है, डिग्रीज होता है। क्या डिग्रीज होता है? मींस जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या? सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो याद रखना, डिग्री जो होता है या क्वालिफाई करने की जो एबिलिटी होती है, वो केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है,
एक तो एडवर्ब में होता है और दूसरा एडजेक्टिव में होता है, इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्वालिटी नहीं होती, डिग्री उग्री नहीं होता, क्वालिफाई वो और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करता। थर्ड नंबर, टू शो पोजीशन या रिलेशन, रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, ETC मतलब जो एडजेक्टिव होता है ना कहीं ये पोजीशन को भी शो करता है, रिलेशनशिप को भी शो करता है, ये भी इसका एक क्या है, फीचर्स है। तो आप ये थ्री फीचर्स इसके आप याद कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, खास करके इसके लिए एडजेक्टिव के लिए। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आपको ये फीचर्स चेक करना है तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चेक करवा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन सी, ये मैंने लिख दिया। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां ब्रदर क्या है, नाउन है, तो कहीं ना कहीं इस नाउन के ऊपर एक टर्म्स आया है हिज, और ये क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है, दिस इज योर एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव है, और ये किसकी बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है। जबकि थर्ड नंबर जो आपका है ना कि पोजीशन शो करता है, रिलेशन बताता है, ये चीज यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद इसमें क्या है, तो आप ये देख सकते हो, अब यहाँ पे जैसे इंटेलिजेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये क्वालिटी दोनों के अंदर है, मतलब सी के भी अंदर है और उसके भाई के अंदर भी है, लेकिन इसके भाई के अंदर थोड़ा सा ये क्वालिटी क्या है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो दिस इज एडजेक्टिव। वाई, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग हिज ब्रदर एज वेल एज सी, ये दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है। सो यहाँ पे ये क्वालिफाई वाली बात आ गई, ये बात समझ में आई। दूसरी बात इसमें आप देख सकते हो, ये पूरा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, डिग्री की भी बात कर रहा है। तो मीन्स तीनों फीचर्स आप इस सेंटेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स देखेंगे, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या देखने वाले हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एडजेक्टिव होगा ना वो क्या करेगा, टू क्वालिफाई, क्या करेगा, टू क्वालिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। अब किसको करेगा, बहुत ही सिंपल सा है बात, सिंपल सी बात, नाउंस एंड प्रोनाउंस, ये जो क्वालिटी होगी ना उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये देख लेना बेटा, प्रोनाउन में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप प्रोनाउंस उसको समझ जाना, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। अब एग्जांपल चेक करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, मैंने लिखा इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, भारत एक कैसा देश है, विकासशील देश है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें नेशन क्या है, नाउन है, और इसी नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, डेवलपिंग, सो यू कैन से दैट दिस इज एन एडजेक्टिव, और ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नेशन की ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर आप मुझे एक ऐसा कोई ट्रिक बता दो जिससे मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाहर निकाल लूं, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, तो आप यहां लिख सकते हो हाउ टू
आइडेंटिफाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सिंपल सा फंडा देख लो, जैसे वो होगा क्या, बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस से आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाहर निकालना है ना, तो आप इससे क्वेश्चन पूछ लेना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीधा बाहर आ जाएगा। अब देखो मैं पूछ के दिखा रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन इज इंडिया। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन इज इंडिया, योर आंसर इज डेवलपिंग, मींस इंडिया किस टाइप का देश है, तो आंसर क्या है, डेवलपिंग। तो कहीं ना कहीं जो ये व्हाट काइंड ऑफ है वो किसका पता लगा रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं, और जो अगला टाइप है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या देखने जा रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटिटी का मतलब होता है टू सो क्वांटिटी ऑफ द नाउंस। ये जो है ना, नाउंस की क्वांटिटी को बताएगा, क्या बताएगा, जो नाउन की क्वांटिटी होता है ना वो उसकी बात करेगा, कौन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा, दे नीड सम वाटर टू ड्रिंक। मैंने क्या लिखा, दे नीड सम वाटर टू ड्रिंक। नाउ लुक हियर, वाटर इसमें क्या है, नाउन है, और कहीं ना कहीं ये जो सम है ना, इस वाटर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, मीन्स इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इस क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आपके मन में एक डाउट और होगा कि क्या सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह भी पता कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, यहां मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूं, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हाउ मच। कैसे क्वेश्चन पूछोगे, हाउ मच, अब देखो क्वेश्चन में पूछ के दिखा रहा हूं, हाउ मच वाटर डू दे नीड टू ड्रिंक। मैंने क्वेश्चन कैसे पूछा, हाउ मच वाटर डू दे नीड टू ड्रिंक, तो आंसर आपका क्या आया, सम, और सम का आंसर किसने दिया, हाउ मच ने। तो याद रखना, हाउ मच से आप किसका पता कर सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता कर सकते हो। इसकी दूसरी खासियत याद रख लेना, इसका दूसरा खासियत होता है, इट ऑलवेज यूजेस विथ अनकाउंटेबल नाउंस, मींस कभी भी जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हो ना, तो इसका यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है, जिसमें से सम आता है, सफिशियंट आता है, एनफ आता है, लिटिल आता है, मच आता है, आ लिटिल आता है, द लिटिल आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऑल को भी हम कंसीडर करते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ऊपर लिखूंगा, हाँ, तो अगला देखते हैं बेटा, अगला जो आपका है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात करेगा? टू टॉक अबाउट नंबर्स। किसकी बात करेगा? नंबर्स की बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ही बॉट टू पेंस एस्टरडे। ही बॉट टू पेंस एस्टरडे। अब पेंस इसमें क्या है आपका? नाउन है। तो जब ये नाउन हुआ तो कहीं ना कहीं इसके पहले जो ये टू आ रहा है ना, दिस इज योर नंबर, और ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नाउन के नंबर की बात कर रहा है। अब इसमें कुछ नोट्स देखते हैं। सेम वही चीज आपको देखना है, क्या सेंटेंस से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बाहर निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा हाउ मैनी। कैसे क्वेश्चन पूछोगे? हाउ मैनी, देखो मैं पूछ के दिखा रहा हूँ। हाउ मैनी पेंस डिड ही बाय एस्टरडे? तो आंसर क्या हुआ? टू। आंसर क्या हुआ? टू। तो इसमें टू क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और इसको निकाला किसने बाहर? हाउ मैनी ने। दूसरा इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, इट यूजेस ऑलवेज विथ काउंटेबल नाउन्स। इसका यूज किसका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज हमेशा किसके साथ में करते हैं? काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सको। ओके, आपके सामने दो ही टाइप के नाउन मोस्टली होते हैं, एक काउंटेबल होता है एक अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर अनकाउंटेबल है, फैन काउंटेबल है, मार्कर काउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, डीजल अनकाउंटेबल है, पेट्रोल अनकाउंटेबल है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है? डिमॉन्स ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाम से समझ में आ रहा है ये कुछ नहीं करेगा, टू इंडिकेट ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की तरफ क्या करेगा? इंडिकेशन देगा, मतलब उनकी तरफ ये क्या करेगा? संकेत करेगा। जैसे आप बोलते हो दिस इज माई बुक। अब ध्यान से देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस इज माई बुक, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस बुक इज माइन। तो देखो दिस यहाँ भी आ रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ? बुक की तरफ। और दिस यहाँ भी आ रहा है और ये भी किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? बुक की तरफ। लेकिन इसके बाद क्या है? वर्ब है। इसके बाद वर्ब नहीं है, नाउन है सीधा। क्या है? नाउन है। तो इसी को ही आप क्या बोलोगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलोगे। ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है लेकिन ये प्रोनाउन है। क्या है? दिस इज प्रोनाउन। वाई? बिकॉज इसके बाद नाउन नहीं आता। अगर इसके बाद नाउन आता ना तब तो ये एडजेक्टिव हो जाता, जैसा कि नीचे हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में याद रखना, एक तो दिस आता है, एक दैट आता है, एक दीज आता है, और एक दोज आता है। इसके बाद सच आता है या फिर सर्टेन आता है। सचा भी आता है, असर्टेन भी आता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स ही सारे आते हैं इसमें। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इनके तुरंत बाद क्या होगा? नाउन, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। क्या आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो? अब सेम क्वेश्चन यहाँ भी वही होगा कि सर सेंटेंस में से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बाहर निकाल सकते हैं क्या? जैसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बाहर निकाल रहे थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बाहर निकाल रहे थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बाहर निकाल रहे थे। तो बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा विच
वन या विच वंस, दोनों में से कोई एक लगाना। अगर सिंगुलर होगा तो विच वन लगाना, अगर प्लूरल होगा तो विच वंस लगा लेना। दिस इज प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर। आप देखो इसको पूछ के आप पता कर सकते हो, विच वन इज माई बुक, विच वन इज माई बुक, तो आंसर दिस, ऐसे बोलोगे ना दिस, ये वाला, मतलब कौन सी मेरी किताब है, तो ये वाली है। तो कहीं ना कहीं किसने निकाला है, विच वन ने निकाला। तो जब विच वन का आंसर ये मिल रहा है तो ये आपका क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला है पजेसिव, क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, नाम से समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं करेगा, टू शो पजेशन, पजेशन का मतलब होता है अधिकार बताएगा, क्या अधिकार बताएगा, जैसे माई हाउस, योर हाउस, या आप बोल सकते हो टू शो पजेशन या टू शो रिलेशन, मतलब ये दोनों में से कोई एक काम करेगा। अगर पर्सन के लिए आएगा तो रिलेशन बताएगा, और अगर किसी थिंग्स के लिए आएगा तो ये क्या बताएगा, पजेशन बताएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में लिखा योर हाउस इज वेरी कॉस्टली। अब देखो मैंने बोला योर हाउस इज वेरी कॉस्टली, अब इसमें हाउस क्या है, नाउन है। अब बताओ ये है हाउस है किसका, इसमें पजेशन किसका शो हो रहा है, योर का, तो योर इसमें क्या हो गया, दिस इज योर पजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज योर पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये पजेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है इसमें, पजेशन शो कर रहा। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स डेली बोलते होंगे। अब सेम वही चीज आपको यहां समझना है कि हम क्या पजेसिव एडजेक्टिव को सेंटेंस से बाहर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले लेंगे, तो हुज, हुज से आपको क्वेश्चन पूछना है, किससे क्वेश्चन पूछना है, हुज से, समझ में आई बात, हुज से अगर पूछोगे क्वेश्चन तो हुज जो होगा वो निकाल के किसको देगा, पजेसिव एडजेक्टिव को निकाल के देगा, किसको, पजेसिव एडजेक्टिव को निकाल के देगा। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं Whose house is very costly? किसका घर बहुत ही ज़्यादा क्या है, costly है, तो आंसर क्या आया, Your, क्या आया, Your। ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखना। मेन जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आई का क्या होता है, माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, और इसके बाद ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इसके बाद दे का देयर होता है, वन का वंस होता है, इट का इट्स होता है, और इसके बाद ई टी सी क्या, इतने ही होते हैं मेन जो आपके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन आपके होते हैं, मतलब ये आपके क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने में मिलेंगे तो इनके बाद एक क्या होगा, नाउन होगा 100%, क्या लगा होगा, नाउन होगा। आप बोल के खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा इनके तुरंत बाद क्या होगा, एक नाउन होगा, क्या नाउन होगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद लास्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, जिसका नाम है इंटरोगेटिव, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव किस लिए करेंगे इसका यूज, टू आस्क क्वेश्चंस। इसका यूज जो हम बेसिकली करेंगे वो क्वेश्चंस पूछने के लिए करेंगे, किसके लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए करेंगे। जैसे मैं यहीं पे अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं दे सकता हूं, व्हाट मूवी Would you like to watch? मतलब आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। अब देखो यहाँ मूवी क्या है,
नाउन, तो जब ये नाउन है तो नाउन के पहले ये क्या होगा? एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड में लेके चलना है, अगर कहीं भी एडजेक्टिव मिल रहा है तो उसके बाद हमेशा याद रखना नाउन ही होगा। आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, अगर नाउन कहीं लिखा है और इसके पहले कोई भी वर्ड है तो मोस्टली केसेस में वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कन्फ्यूज मत होना आप लोग। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसमें याद रखना, अगर कुछ हम एडजेक्टिव की जैसे बात करें कि कौन कौन से एडजेक्टिव हैं इंटरोगेटिव, तो एक होता है व्हाट, एक होता है विच और एक आपका होता है हूज। ये बेसिकली तीन हैं। ये तीन आपके क्या हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर वाई है, वैन है, वेर है, हु है, होम है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तीन है। आपको बस ये केवल तीन याद रखना और इनके बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको? नाउन मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन पे इसी में ही चलते हैं। तो बस आप लोग अब बेटा एक काम करते हैं, ये जो हमने टाइप्स बताए ना उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आपसे बनते भी है ना, आप जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या आप एग्ज़ाम अभी आपका जो भी होगा, मैडम आपका टेस्ट लेंगी ना, तो वो थोड़ा सा आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपको याद रखना है, जो नंबर होते हैं ना वो आपके दो टाइप के होते हैं। होते तो वैसे फोर टाइप्स के, लेकिन आपको मैं दो ही बताऊंगा आप। तो पहला होता है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर में बहुत ही सिंपल सा है याद करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटीसी। और कार्डिनल नंबर में वन, टू, थ्री, समझ गए, और 40, एटीसी। ये सारे आपके क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं और दीज आर कार्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स याद कर लो, ऑर्डर बताते हैं। जैसे आप कोई गेम वेम खेलते हो तो उसमें जैसे आपकी कोई रैंक बनती है ना, तो वहाँ पे जो हम नंबर लगाते हैं वो कौन सा नंबर लगाते हैं? ऑर्डिनल नंबर लगाते हैं। और जब हमें रैंक नहीं बताना होता, सिंपल सा किसी चीज़ के बारे में बताना होता काउंटिंग के लिए, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ही got the first rank। अब देखो rank इसमें क्या है? Noun है। तो अब rank उसको पहली मिली है, मतलब जो भी लोग होंगे क्लासरूम में होंगे या रेसिंग में होंगे या ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उसमें ही इसको पहला rank मिला है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया? ऑर्डिनल नंबर लगा दिया, ON। और ऑर्डिनल नंबर के पहले मोस्टली केसेस में याद रखना आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये रूल होता है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले मोस्टली केसेस में किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज। और कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अब इसको 100% बेटा आप सही मत मानना बिल्कुल। अब आ जाओ दूसरे पोर्शन में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हमें कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पढ़ना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, अगर कहीं भी वाट लिखा हुआ मिल जाए, विच लगा हुआ मिल जाए, हुज लिखा हुआ मिल जाए, और इसके बाद अगर नाउन है, फिर आगे कुछ भी दिया हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो याद रखना ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इसी के अपोजिट में व्हाट लिखा हो, हुज लिखा हो और विच लिखा हो, फिर यहाँ पे कोई वर्ब दिया गया हो या कोई और टर्म्स दिया गया हो, फिर इसके बाद आगे कुछ भी दिया गया हो, तो याद रखना ये हमेशा क्या होते हैं? प्रोनाउन ही होते हैं। और कौन से प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप याद कर लो। तीसरा पॉइंट है, अगर सपोज करो कहीं दिस लिखा हुआ मिल जाए, दैट मिल जाए, दीज मिल जाए या दोज मिल जाए, और इनके तुरंत बाद नाउन मिल जाए, तो याद रखना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं।
क्या होते हैं, दीज आर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ पॉइंट अगर इसी में देख लो आप, अगर सपोज करो कहीं दिस लगा हो, क्या दिस, दैट और दीस और कहीं भी दोज लिखा हो, और इसके बाद अगर आपको नाउन ना मिले, कोई वर्ब मिल जाए या कोई और टर्म्स मिल जाए और आगे कुछ भी दिया हो, तो याद रखना ये हमेशा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इन बात को माइंड में रखिएगा। इसके बाद इसी का हम नेक्स्ट पोर्शन देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली में जो एडजेक्टिव होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और उसको आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखना है। तो अब बेटा हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, जो कि मैंने बताया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये समझना है कि एडजेक्टिव बनता कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। जब भी आप कोई एडजेक्टिव फॉर्म करते हो ना, तो उस केस में क्या होता है कि एक वर्ब आपको मिलेगा या फिर एक नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाउन। तो उस नाउन या वर्ब में आप क्या लगाओगे? सफिक्स लगाओगे। क्या लगाओगे? सफिक्स। और जैसे ही आप सफिक्स लगाओगे तो पता है क्या बन जाएगा, जिसकी आप तलाश में हैं। किसकी तलाश में हैं आप? एडजेक्टिव की। तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब वो सफिक्स आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन से सफिक्स होते हैं। तो उसका मैं एक आपको फॉर्मूला दे दूंगा, और उस फॉर्मूले के बिहाव पे ही आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। अब वो देख लो क्या है। तो इसके लिए आपको तीन पॉइंट्स याद करना है। पहला पॉइंट है, यू आर एबल, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आइस विस फुली पायस। ओके, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सम वन लाइक लिव लाइफ लेस। अच्छा एक चीज लगा याद रखना बेटा, यहाँ अपना दिमाग मत लगाना कि ये सेंटेंस फेंटेंस है, कोई सेंटेंस वेंटेंस मैंने नहीं लिखा है। नहीं तो बोलोगे समोन के साथ तो लाइक्स आते हैं सर, गलत लिख रहे हैं। मैं ऐसा मैं सेंटेंस कंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार आपसे बोला हूँ, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसमें से सफिक्स आपको निकाल कर कैसे बना देना, और ये आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। आपको बस इतना याद करना, यू आर एबल आइस विस फुली पायस और समवन लाइक लिव लाइफलेस। ओके, अब देखो इसमें से आपको केवल याद करना वाई को, इसमें से क्या निकलेगा वाई, और यहाँ से निकलेगा ए आर, क्या ए आर, और ये पूरा आएगा एबल। समझ गए? ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स हैं। दिस इज सफिक्स, दिस इज सफिक्स, दिस इज सफिक्स, और इसमें आएगा केवल आई सी। क्या आएगा? आई सी। और इसमें केवल आएगा आई एस एच, आई एस एच। इसमें दो टर्म्स आएंगे, एक तो फुल आएगा और एक एल वाई आएगा, और इसमें से ओ यू एस आएगा केवल, ओ यू एस, और इसमें केवल आएगा सम। क्या आएगा? सम। इसमें लाइक पूरा आ जाएगा, इसमें आई भी ई आएगा, एल नहीं आएगा, और इसमें लेस आएगा, क्या केवल लेस आएगा बस। ये सब के सब क्या है? सफिक्स हैं। क्या है? सफिक्स हैं। तो आ जाओ मैदान में चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना, एक साइड लिखना वर्ड्स, और ये वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वही नाउन या वर्ब हो सकते हैं, इन्हीं में से दो होंगे। तो एक साइड हो गया वर्ड्स, और इन्हीं वर्ड्स में आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्या? सफिक्स। क्या? सफिक्स।
और जैसे ही आपने सफिक्स ऐड किया तो ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। नाउ चेक कर लो, देखो मैंने एक टर्म्स लिखा लव, अब बताओ लव में क्या ऐड करोगे बेटा, एल भाई लवली, लवली पता लड़कियों का नाम होता है, लवली। तो देखो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे मैंने लिखा वर्थ, क्या ऐड करोगे वाई, तो वर्थ से क्या हो जाएगा वर्दी, क्या वर्दी। फिर मैंने एक लिखा ओ, और ओ के साथ एक कोई गाना भी आया था आई थिंक ऑसम करके ऐसा कोई गाना था, तो क्या हो गया ऑसम, क्या हो गया ऑसम। फिर मैंने लिखा चाइल्ड और मैंने लगा दिया लाइक, मतलब हो गया चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक। या फिर इसमें आई एस एच भी लगा सकते हो तो चाइल्डिश हो जाएगा, चाइल्डिश। ये नेगेटिव टर्म से, ऊपर वाला थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म से याद रखना, हो गया। इसके बाद मैंने लिखा हीरो, तो आप लोगों का जो फेवरेट हीरो होगा ना मुझे जरूर लिख के भेजना कमेंट में, तो आई सी लगा दो इसमें, तो क्या हो गया हीरोइक, क्या हो गया हीरोइक। इसके बाद अगला टर्म्स जैसे आप ले सकते हो ब्यूटी, तो इसमें लगा दो फुल, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। अब याद रखना इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो गया, वो थोड़ा सा आप देखना, वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, यहां ध्यान से देख सकते हो। तो ऐसे बेटा आप बनाओगे ना तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके बनके सामने आ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, मतलब सफिक्सेस लगा के हम क्या उन्हें बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं, किसमें नाउन या वर्ब में। देखो ध्यान से, ये वर्ब है, ये नाउन वर्ब दोनों होता है याद रखना, ये जो लव है ना ये दोनों होता है, वर्थ तो केवल नाउन ही है, और जो है ना ये वर्ब है, चाइल्ड नाउन है, हीरो नाउन है, ब्यूटी भी नाउन है, मतलब ऐसे आपके बन जाएंगे। इसके बाद इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं और वो देखते हैं हाउ टू मेक एन एडजेक्टिव नेगेटिव, मतलब हम एडजेक्टिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये अगला पोर्शन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने फैमिली वालों को भी दिखाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ओके, आप देखो जरा ध्यान से कि एडजेक्टिव को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई एक एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, कोई एक एडजेक्टिव होगा, इसके पहले आपको लगा देना प्रीफिक्स, क्या लगा देना है प्रीफिक्स लगा देना है, और उस प्रीफिक्स में जो ज़्यादातर प्रीफिक्स आएंगे, एक तो आएगा आई आर, क्या आएगा आई आर, एक आएगा डी आई एस, और एक आएगा एम, और एक आएगा यू एन, क्या आएगा यू एन आएगा, और एक आएगा आपका, हाँ ये हो गया, एक और आएगा लास्ट जो आपका आई एन, ये फाइव याद कर लेना। अब बेटा इसका फॉर्मूला मैंने बनाया नहीं, नहीं तो मैं आपको दे देता, आप लोग मेहनत करके फॉर्मूला बना के मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना ताकि मुझे याद हो जाए। ओके, याद रखना। अब जैसे एग्जांपल के रूप में इसको अगर हम चेक करें तो जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, मैंने क्या लिखा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है डिस ऑनेस्ट होता है। अब देखो यहाँ डिस लगा दिया, मैंने लिखा रेगुलर, तो रेगुलर का क्या हो जाएगा इर रेगुलर, हो गया। इसके बाद जैसे मैंने लिखा पोलाइट,
तो क्या हो जाएगा बेटा, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट हो गया। जैसे मैंने लिखा ह्यूमन, तो इनह्यूमन हो जाएगा, जो कि नेगेटिव टर्म्स रखता है। ऐसे ही आप जब पूरा बनाओगे बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें याद रखना, सबसे पहले हमने आपको बताया टाइप एडजेक्टिव क्या होता, फिर टाइप्स बताया, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव बताया, उसके बाद एडजेक्टिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से एक नहीं दो बार तीन बार देखिएगा, इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाऊंगा। याद रखना ये पार्ट 1 है। सो मैं यहीं पे क्लास को फिनिश करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।